हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज एक बहुत ही बड़े टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक है कि एंड हेजिमनी ऑफ आईपीएस इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। आईपीएस की बात करें, इंडियन पुलिस सर्विस, या आईएएस की बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या फिर हम आईएफएस की बात करें, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीनों सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ये तीन ही सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। बाकी सिविल सर्विसेज के थ्रू जो रिक्रूट होते हैं वो मेनली सेंट्रल सर्विसेज कंसिडर की जाती हैं, और डिफेंस सर्विसेज भी कुछ हैं उसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, तो इसमें जो ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाते हैं वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एक एग्जाम होता है, जो कि अगेन यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, और एसी एग्जाम, एसी नाम है उसका, सीएपीएफ एसी एग्जाम यूपीएससी के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। और इसमें असिस्टेंट कमांडेंट का रिक्रूटमेंट होता है, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को हेड करते हैं, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, जिसकी रैंक इक्विवेलेंट टू डीवाईएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के इक्विवेलेंट होती है। तो अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि क्या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को जो हेड करते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट तो एसी के रूप में होता है उनका, लेकिन उनका जो प्रमोशन है वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक नहीं होता है। मेनली जो इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, इसके जो मेन हेड होते हैं वो इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स ही होते हैं, आईपीएस ही होते हैं, जो कि अगेन यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होते हैं, सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है। तो ये काफ़ी टाइम से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के जो ऑफिसर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें सारी, हम मेहनत कर रहे हैं और जो काइंड ऑफ जो हमें पोस्ट मिलनी चाहिए, जो हायर पोस्ट मिलनी चाहिए, उस पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये क्या उनको डीमोटिवेट भी काफ़ी करता है। तो इसी पर एक चर्चा हम करेंगे। साथ में अभी एक पार्लियामेंट्री पैनल की अभी रिपोर्ट भी आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, माय आईडी सौरभ पांडे 009। इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात करें तो यहाँ पे मेनली ये जो फोर्सेस हैं इनको हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कहते हैं। अगर पैरामिलिट्री वर्ड यूज़ करते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो शब्द है वो सिर्फ दो फोर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। एक है असम राइफल, एक है असम राइफल, और दूसरा जो है ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इसके लिए उपयोग में आता है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये दो शब्द, दो ये जो फोर्सेस हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस कंसीडर की जाती हैं। और ये जो फोर्सेस हैं इनको पैरामिलिट्री इन जनरल बोला जाता है, अगर आप न्यूज़पेपर में भी देखें तो पैरामिलिट्री शब्द यूज़ किया जाता है, लेकिन पैरामिलिट्री इनको नहीं बोला जाता, इन्हें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज बोला जाता है। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जैसे अगर हम देखें मैप ड्रॉ करके कि किसकी जिम्मेदारी कहाँ होती है, तो अगर हम देखें तो जैसे अगर हम देखें मैप थोड़ा वैसा है, तो अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, बीएसएफ जिसे कहते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, यहाँ पे रहते हैं, इस जगह को गार्ड करेंगे। साथ में ये जो राजस्थान से जो बॉर्डर लगा हुआ है यहाँ पे बीएसएफ लगी है। साथ में ये क्या है कि कई जगहों पे उड़ीसा या वेस्ट बंगाल जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है वहाँ भी बीएसएफ लगाई जाती है। और ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ की होती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेनली इसका काम भी ये है कि जो नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म से ये फाइट कर रही है, और इंटरनल सिक्योरिटी में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। आपने सुना होगा इसकी एक बटालियन भी है जिसको कहते हैं कोबरा, कोबरा बटालियन है, जो कि एक कमांडो फोर्स है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो भी इसी का पार्ट है, जो कि भीड़ और इन सबको मैनेज करने का काम करती है। तो सीआरपीएफ की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, इवन इलेक्शन ड्यूटी में भी मैक्सिमम सीआरपीएफ की जिम्मेदारी रहती है, यही लोग सारा काम करते हैं। दूसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ जिसे कहते हैं। अगर आप बात करें सीआईएसएफ की तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट में जो सारी चेकिंग का काम करना, ये सारा काम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है। एयरपोर्ट हो गया, या जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो गया, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हो गए, या बड़ी बड़ी संस्थान हो गए, इसरो जैसे संस्थान हो गए, और कई जो बड़ी यूनिट्स हो गई, जो पीएसयूज बड़ी बड़ी हो गई, उनकी भी जो सुरक्षा का कार्य सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है। फिर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करें तो इंडिया चाइना बॉर्डर को ये गार्ड करते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और फिर
ये जो सशस्त्र सीमा बल है जिसे हम SSB बोलते हैं, तो इंडिया नेपाल बॉर्डर में इनकी जिम्मेदारी है। इंडिया नेपाल बॉर्डर का कार्य जो इनको जो संभालना है वो SSB का होता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में। और हमें कई बार होता भी है क्योंकि मीडिया में भी ज़्यादा पता नहीं होता है, तो इनको भी क्या है कि आर्मी से कंपेयर कर लिया जाता है, या फिर अगर ये जो कार्य करते हैं तो उस कार्य को कह दिया जाता है कि आर्मी के द्वारा ये कार्य किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो भी ये ऑपरेशन टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं तो यहाँ पे BSF और इंडियन आर्मी दोनों साथ में करती हैं। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो BSF की होती है। अगर सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट आ गई या कुछ ऐसा सिचुएशन आ गई जो BSF ना संभाल पाए या कुछ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तभी इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। इन जनरल इंडियन आर्मी को नहीं बुलाया जाता। ध्यान ये रखने की बात है, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, जैसे किसी दूसरे देश ने हम पर हमला कर दिया, तो वहाँ पे फिर इंडियन आर्मी आती है। तो एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए इंडियन आर्मी आएगी। अगर इंटरनल इश्यूज़ हैं, इंटरनल कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे टेररिज्म का कोई इशू है, टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही जाती है। अब ये डिसीजन अगेन कि कहाँ किसको भेजना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिसीजन होता है। इंडियन आर्मी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है और ये सारी फोर्सेस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इवन जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट भी की भी बात करें तो उसमें जो रोल होता है, इन्हीं से जो ये फोर्सेस होती हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इन्हीं का रोल होता है। तो यही सारा ये कार्य करती हैं। तो हमें क्या है कि ये थोड़ा सा जान लेना चाहिए, ये इनके जो ऑफिसर्स हैं, अगर आप उनसे भी अगर आप बात करेंगे तो उनको भी इस बात का दुख होता है कि हम सारा कार्य करते हैं लेकिन इंडियन आर्मी को सारा क्रेडिट मिल जाता है, है ना। क्योंकि लोगों को नहीं पता कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज भी कुछ होता है, और या तो पैरामिलिट्री शब्द यूज़ कर लेते हैं, तो पैरामिलिट्री मतलब जो ना मिलिट्री है ना पुलिस है, बीच वाली है, उनको पैरामिलिट्री कह दिया, है ना। मतलब इसकी भी एक डेफिनेशन है पैरामिलिट्री की, जैसे हमने बात किया कि असम राइफल और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, यही दो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो ये उस कैटेगरी में भी इनको रख दिया जाता है। अब ये कहती हैं कि हम पैरामिलिट्री नहीं हैं, हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं, हम आर्मी नहीं हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू आ जाता है, क्योंकि यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, जो इनके जैसे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में कार्यरत होते हैं, अब असिस्टेंट कमांडेंट भी बड़ी पोस्ट होती है, DYSP के इक्विवेलेंट ये पोस्ट होती है। अब क्या है कि ये अगर इनको आगे तक जाना है, आगे मतलब अगर इन्हें डायरेक्टर जनरल 21 साल की उम्र में कोई असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, तो ये एक्सपेक्ट करेगा, वो जो भी ऑफिसर है, अगर वो 21 साल में ऑफिसर बन रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो DG बने, वो IG बने, ADG बने। लेकिन होता क्या है कि IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज के जो ऑफिसर्स है IPS, वो ये सारी बड़ी पोस्टें जो है वो होल्ड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमेशा IPS जो ऑफिसर्स हैं उनको वहाँ पे ऊपर लगाती है। अब यहाँ पे एक बड़ा इशू है जो कि अगेन हमें समझना है, वो ये है कि CRPF की अगर बात करें, CRPF का जो पर्सनल है जो कि रिक्रूट हुआ कांस्टेबल के रूप में रिक्रूट हुआ, या सब इंस्पेक्टर के रूप में रिक्रूट हुआ, या अगेन इंस्पेक्टर के रूप में रिक्रूट हुआ और उसने अपनी सर्विस दी है 30 साल 35 साल, तो उसे क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है कि नक्सल्स किस तरह कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार है, क्या लूपहोल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इवन असिस्टेंट कमांडेंट की ही बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट है, कमांडेंट है, ये जब बनते हैं तो इसमें भी 25-30 साल लग जाते हैं। अब किसी को अगर कमांडेंट तक की एक्सपीरियंस है, 30 साल का सर्विस का एक्सपीरियंस है इन फोर्सेस में, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इन्हें ये कह दिया जाए कि आपको कोई दूसरी सर्विस का आदमी आके हेड करेगा, अब देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अलग बात है कि हम ये कह दें कि सिविल सर्विस का एग्जाम बहुत टफ होता है तो इसलिए उनको राइट्स हैं कि वो बड़ी पोस्ट होल्ड कर सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सोचने की ज़रूरत है कि अगर CRPF जैसा एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ये ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें किसी ने उसके एग्ज़ाम को पास करते हुए अपने 30 साल लगा दिए हैं, और यहाँ एग्जामिनेशन का मतलब रिटन एग्ज़ाम नहीं है, मतलब इतने सारे जो चैलेंजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें फेस करते हुए उन्होंने इतनी हाइट अचीव की है कमांडेंट तक, और उसके बाद ये कह दिया जाए कि आप जो है आगे नहीं जा सकते,
आप एडीजी नहीं बन सकते, आप डीजी नहीं बन सकते, वो कोई पर्सनल जो कि किसी दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे रिक्रूट होके, मतलब किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ IPS की पोस्ट होल्ड किया है, या तो वो SP है या किसी मिनिस्ट्री में ऑफिसर है या इंटेलिजेंस में है, कहीं भी है, एक IPS के रूप में कार्यरत है, और फिर उसको सडनली CRPF का DG बना दिया जाए या फिर BSF का DG बना दिया जाए या CSF का DG बना दिया जाए, तो पहले वो जो नया पर्सन है उसे तो इस ऑर्गेनाइजेशन को समझने में टाइम लग जाएगा। ये इतना आसान नहीं होता है, आइडियल बातें करना या फिर किताबें पढ़ के रूल्स पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें अलग होती है। ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना और उसको समझना एक बहुत बड़ा एक इशू होता है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्यों बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि 2007-8 के आसपास क्या हुआ था कि 76 CRPF के जो जवान थे उनकी हत्या कर दी गई थी नक्सल्स के द्वारा, और वो किस प्रकार हुई थी, ये एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना क्यों बहुत जरूरी है, उसके रूल्स प्रोसीजर जानना क्यों बहुत जरूरी है। तो 76 जो CRPF के पर्सनल है उनको नक्सल्स ने गोली मार दी थी, और ये जो 76 मरे थे, अगर आप देखें क्यों मरे थे, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये ऑपरेशन करने जा रहे थे। ऑपरेशन करने के बाद ये जब उसी, जैसे क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसे हम SOP बोलते हैं, तो ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है इसके तहत क्या है कि आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से वापस आपको नहीं आना है, एक पॉइंट ये भी रहता है। दूसरा ये रहता है कि आप कभी भी कन्वे नहीं करेंगे कि आप कहां जा रहे हैं जब आप नक्सल ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके भी वहां गुप्तचर होते हैं तो वो बता देंगे। तो क्या होता है कि मतलब उस समय क्या हुआ कि जो ऑफिसर था, IPS ऑफिसर नहीं था, कोई जो ऑफिसर था उसने इस SOP को फॉलो नहीं किया, और क्या हुआ कि वो गया और उसी रूट को फॉलो किया। जो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर थे वो बार बार ये मना कर रहे थे कि आप इस रूट को फॉलो मत कीजिए, यहां रिस्क है, और कुछ भी जो सजेशंस है वो दिए जा रहे थे, लेकिन अगेन उस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया और वो पेड़ पे बैठे हुए थे नक्सल्स, और उन्होंने फिर अगेन हमला कर दिया और उसमें 76 के 76 लोग मर गए, क्योंकि वो उस पेड़ पे बैठे हुए सब ऑफिसर्स को देख सकते थे, सारे पर्सनल को देख सकते थे, और उन्हें सारे टेरेन का पता था, और इस वजह से हमें 76 लोगों की जान गंवानी पड़ी जो हमारे ऑफिसर्स थे। लेकिन कुछ लोग को जो अगेन जो नक्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं उनको इस चीज़ का भी, उन्होंने कहने का मतलब उनको तो अच्छा लगा कि ऐसे जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनका लाइफ लॉस हुआ, लेकिन अगेन उनके इशू डिस्कस ना करें। अब यहां जो समझना है वो ये है कि अगर IPS ऑफिसर्स को ऐसे रूल्स रेगुलेशंस या ऐसे ही कई सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इन फोर्सेस के अंदर, इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अगर वो नहीं पता होगा तो किस प्रकार से उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता है। अगर आप कंपेयर करें आर्मी की एफिशिएंसी को और CRPF या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की एफिशिएंसी को, दोनों के बीच काफी डिफरेंस है। जो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल का जो ऑफिसर है वो मोटिवेटेड ही नहीं रहता है। आप अगर देखेंगे जो लड़के सेलेक्ट भी होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते एज असिस्टेंट कमांडेंट, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। इसका रीजन यही है कि लोग जो ये ऑफिसर्स हैं उन्हें ये लगता है कि हम एक लेवल तक जाएंगे और उसके बाद फिर हमें ज्यादा यह प्रमोशन नहीं होगा। तो ये सारे वजह से, ये सारी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी एफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी वो अफेक्ट हो रही है। तो तीन पॉइंट जो अगर हम बात करें मेजर, एक तो जो मोटिवेशन लेवल है तो उसको मेंटेन करने के लिए उनको प्रमोशन दो, उन्हें IGDG बनाओ। दूसरा जो बात ये भी चल रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको रिक्रूट किया जा रहा है एज असिस्टेंट कमांडेंट, अगर रिक्रूट हो रहे हैं या कांस्टेबल के रूप में रिक्रूट हो रहे हैं, SI के रूप में रिक्रूट हो रहे हैं, तो एक प्रॉपर हायरार्की हो, एक प्रॉपर प्रमोशन हो कि इस टाइम में इनका प्रमोशन होगा, ये सारी चीज़ें, और भी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो आर्मी को मिलती है, पेंशन और ये सारा, तो वो भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आर्मी का काम भी इन्हें करना है और इन्हें फिर पुलिस का भी काम करना, सारा काम जो इंटरनल सिक्योरिटी में भारत का होता है तो ये सारा CRPF करेगी या BSF करेगी, लेकिन क्रेडिट या तो आर्मी को मिल जाता है या फिर पुलिस फोर्स को मिल जाता है, दोनों जगह पे ये बेचारे रह जाते हैं, है ना। लेकिन अगर लॉस ऑफ लाइफ की बात करें तो उन्हें ये सफ़र करना पड़ता है। तो ये सारी बातें कई बार कही गई हैं, जो बड़े ऑफिसर्स हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के, उन्होंने इस बात को भी कई बार हाईलाइट किया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में पार्लियामेंट्री पैनल जो है, पार्लियामेंट्री पैनल पी चिदम्बरम द्वारा जो हेड किया गया था, उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे जो आगे हम डिस्कस करेंगे।
सो अगर हम बात करें डीजी रैंक सीएपीएफ जैसे सीआरपीएफ सीएसएफ बीएसएफ आईटीबी पीएसएसबी एनएसजी एनएसजी को इन जनरल हम सीएपीएफ में इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर अगर बात करें तो 100% सीट्स जो अपर मोस्ट जैसे डीजी डायरेक्टर जनरल है वो आईपीएस ऑफिसर के द्वारा हेड की जाती है। एडिशनल डीजी इंस्पेक्टर जनरल आईजी है डीआईजी ये सारी आईपीएस ऑफिसर्स के लिए ही रिजर्व्ड है। अब यही जो हमने पॉइंट डिस्कस किया ये एक अगेन मैटर ऑफ कंसर्न है जो भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं सीएपीएफ में। दूसरा पॉइंट अगर देखें कि पार्लियामेंट्री पैनल ने ये रिकमेंड किया कि पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड अदर सीनियर पोजीशन इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ शुड नॉट बी रिजर्व फॉर इंडियन पुलिस सर्विस फोर्सेज ये बात कही गई है। साथ में पैनल ने यह भी कहा कि द नेचर ऑफ ड्यूटी ऑफ सीएपीएफ आर मोर सिमिलर टू दैट ऑफ आर्म फोर्सेज एंड इट वुड मेक मोर सेंस टू ब्रिंग मोर ऑफिसर फ्रॉम द आर्म फोर्सेज ऑन डेपुटेशन। ये बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल असम राइफल की बात करें तो असम राइफल की अगर बात करें तो असम राइफल में भी क्या है असम राइफल का जो अगर हेड देखें मतलब किसके अंडर आती है तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है लेकिन उसका जो हेड है वो हमेशा जो आर्म फोर्सेस है मतलब जो आर्मी है वहां से डेप्यूट होकर आता है। और यहां अगर बात करें सीएपीएफ में तो आर्म फोर्सेस का मतलब इंडियन आर्मी से नहीं कोई आएगा हेड करने के लिए वहीं आईपीएस का आईपीएस आता है। आईपीएस को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है मतलब कि अगर जैसे रिस्ट से लड़ना है तो इसमें आईपीएस को इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। ऑल दो बहुत अच्छा आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें जो इन जनरल परसेप्शन की अगर बात करें इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी को ऐसे ऑपरेशंस को रन करना आता है बहुत अच्छे तरीके से तो वहां का ऑफिसर अगर हेड करता है सीएपीएफ को तो वहां पे इतना इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो भी इतनी अफेक्ट नहीं होगी ऐसा कहना है पार्लियामेंट्री पैनल का। दूसरा क्या है ये जो पैनल है इसको किसने हेड किया पी चिदम्बरम जी ने हेड किया और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये पूछा भी कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आप सारी जो पोस्ट है हायर पोस्ट है वो सीएपीएफ को ना देके आईपीएस को देते हैं। तो इसमें एमएचए ने क्या बोला कि जो एक्सपोजर है ट्रेनिंग है ग्रूमिंग है आईपीएस ऑफिसर्स की वो जॉब रिक्वायरमेंट को मीट करती है सीएपीएफ की जो सीनियर मोस्ट पोस्ट होती हैं और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको वो मीट करती है। दूसरा क्या है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सीएपीएफ एंड स्टेट पुलिस बिकम स्मूथ एंड सीमलेस विद द प्रेजेंस ऑफ आईपीएस ऑफिसर इन एवरी सीएपीएफ देयरफॉर आईपीएस ऑफिसर आर बेस्ट सूटेड टू लीड एंड प्रोवाइड सुपरवाइजरी डायरेक्शन टू एनी सीएपीएफ इन एन इफेक्टिव एफिशिएंट एंड इंपार्शियल मैनर एट दीज रैंक। अब ये पॉइंट भी रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको स्टेट में भी काम करने का एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर कोई झारखंड में है झारखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट में एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में उसने कार्य किया है और या फिर छत्तीसगढ़ में एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में कार्य किया तो उसे स्टेट में क्या इशूज है वो भी उसको पता है और साथ में उसने डिपार्टमेंट में भी काम किया अगर डिपार्टमेंट में काम किया तो उसे भी वहां भी पता है कि स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो किस प्रकार के फंक्शन करते हैं सेंट्रल के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। तो इससे क्या है कि जो आईपीएस ऑफिसर है तो वो हेल्प करेगा स्टेट पुलिस और जो सीएपीएफ है इनको बेटर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए क्योंकि ये सीएपीएफ होती हैं ये सप्लीमेंट करती हैं स्टेट पुलिस फोर्सेस को। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ही कोई नक्सल से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के साथ मतलब सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस को साथ में कोई नक्सल ऑपरेशन करना है उनके खिलाफ ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे क्या है दोनों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो अगर आईपीएस ऑफिसर होगा तो ये बेटर कोऑर्डिनेट कर सकता है ऐसा कहना है। तो ये एक आर्गुमेंट दिया गया है कि एक जो ट्रेनिंग है जो ग्रूमिंग है जो एक्सपोजर आईपीएस ऑफिसर का वो इतना होता है कि वो ये सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है। अब जो कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये रूल जो है रूल 6(1) ऑफ आईपीएस कैडर रूल 1954 इस पर कुछ अगर बदलाव लाना है तो ला सकती है और इसको बदलाव ला के ये किया जा सकता है कि जो लिमिटेड पोस्ट हैं सीएपीएफ की जो हायर पोस्ट हैं उन्हीं को रिजर्व किया जाए मतलब 25% तक आप रिजर्व कर लो है ना मतलब जो भी आईजी या डीआईजी एडीजी या डीजी रैंक के जो ऑफिसर तो 25% कर सकते हैं 75% जो है वो सीएपीएफ के जो पर्सनल हैं उनके लिए होना चाहिए। इससे क्या वो भी मोटिवेटेड रहेंगे कि हम भी इतनी बड़ी पोस्ट में पहुंच सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी फंक्शन कर सकती है जब जो उसके पर्सनल हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे। अगर वही मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इतना एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर सकती। और बहुत सारे ऐसे पैनल्स हैं जिन्होंने ये रिकमेंड किया है कि सीएपीएफ में जो ऑफिसर्स हैं मेनली जो ऑफिसर्स हैं वो इतने मोटिवेटेड नहीं रहते। अगेन इसके जैसे हमने जो
रूल्स जो हमने आर्गुमेंट्स अभी जो डिस्कस किए पहले उसकी वजह से वो इतना मोटिवेटेड नहीं रहते। सो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो अगेन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जो कि जीएस पेपर 3 के अंदर है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।